एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रात को 1 बजे बारिश में एक डॉक्टर के घर का गेट खटखटाने लगता है और बहुत देर तक गेट खटखटाने के बाद डॉक्टर बाहर निकलते हैं और कहते हैं बता क्या काम है। व्यक्ति कहता है कि मेरे बेटे को तपेदिक बुखार चढ़ गया है डॉक्टर साहब, उसका शरीर निरंतर गर्म हो रहा है, आप घर चलिए एक बार दवाई दे दीजिए। डॉक्टर कहता है कि रात का 1 बज रहा है और बारिश हो रही है, अभी तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकता, कल सुबह बेटे को क्लिनिक पे आना, जा भाग यहाँ से। व्यक्ति कहता है डॉक्टर साहब सुबह तक तो बहुत देर हो जाएगी, आप अभी चलिए दवाई दे दीजिए, बहुत दिक्कत होने वाली है। और डॉक्टर उसकी एक नहीं सुनता है, कहता है कि अभी तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बारिश हो रही है, कल सुबह क्लिनिक पे ले आइए बेटे को, मेरी फीस लाना मत भूलिए, 1000 रुपए फीस है। व्यक्ति उदास होकर चला जाता है। दिन बीतते चले जाते हैं, बीतते चले जाते हैं। 3 साल के बाद डॉक्टर के बेटे का जन्मदिन होता है, डॉक्टर बड़ा खुश होता है और खुले मैदान पे आयोजन चल रहा होता है। डॉक्टर के बेटे के जो गिफ्ट आए होते हैं, बेटा उन्हें चेक कर रहा होता है, सडनली एक सांप आकर डॉक्टर के बेटे को काट लेता है और बेटा तुरंत नीला पड़ जाता है। माँ को पता लगता है कि बेटे को सांप ने काट लिया, माँ कहती है ये क्या हो गया मेरे बेटे को, और डॉक्टर को बताया जाता है कि आपके बेटे को सांप ने काट लिया है। डॉक्टर कहता है मैं तो बुखार का डॉक्टर हूँ, जहर कहां से निकालूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं एक सपेरे को जानता हूं, उसे बुलाकर लेके आता हूं। सपेरे को बुलाया जाता है, सपेरा जहर निकाल देता है और बेटा फिर जिंदा हो जाता है। डॉक्टर बड़ा खुश होकर सपेरे से कहता है कि आज मैं बड़ा खुश हूं, ये ले 10,000 रुपए। सपेरा डॉक्टर साहब को देखता है, डॉक्टर कहते हैं अच्छा ये ले 20,000 रुपए। सपेरा फिर डॉक्टर को देखता है, डॉक्टर साहब कहते हैं अच्छा और ले 30,000 रुपए रख ले, जा आज मैं बड़ा खुश हूं। सपेरा कहता है कि डॉक्टर साहब आपकी फीस 1,000 रुपए है ना, ये लो मैं 30 गुना फीस दे रहा हूं आपको, क्या आप मेरा बेटा लौटा सकते हो मुझे। डॉक्टर हैरान होते हैं, कहते हैं क्या बोल रहे हो। वो कहता है कि 3 साल पहले रात को 1 बजे एक व्यक्ति आपके घर पे आया था, निरंतर प्रार्थना कर रहा था कि मेरे बेटे को तपेदिक बुखार है, डॉक्टर साहब चलिए आप नहीं गए, उस बालक का पिता मैं ही हूं, मैं ही सपेरा हूं और मैंने आज आपके बेटे की जान बचाई। डॉक्टर को बहुत बुरा लगता है और वो समझ जाता है कि प्रकृति ने उसकी गाल पर एक तमाचा मार दिया है।